आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू करके दिखाऊंगा इस कॉफ़ी हीटर का। ये एक कॉफ़ी हीटर है और ये काफ़ी छोटी होती है, यानी जो अपनी पानी गर्म करने की रॉड होती है कुछ इस तरीके से होती है, और हम इससे जो है पानी भी गर्म कर सकते हैं और अपनी कॉफ़ी वगैरह भी इससे बना सकते हैं। और ये जो है 220 वोल्टेज पर डायरेक्ट एसी से चल जाती है, 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर चलती है और 500 वॉट की है ये। तो फ्रेंड्स, बस यही इसके बॉक्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ और लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं होती इनको पढ़ने की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले ख़रीदी थी और मैंने इसको अभी तक यूज़ ही नहीं किया, आज पहली बार इसको खोल के देख रहा हूँ। तो ये काफ़ी बेकार से डिब्बे में बंद आती है और इसके साथ और कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे केवल अपनी एक ये छोटी सी रॉड ही मिलती है। और आप इसका साइज़ वगैरह देख सकते हो कि ये कितनी छोटी है, मेरे हाथ पे इजीली आ रही है, मैं इसे मुट्ठी में भी बंद कर सकता हूँ। ओके, देख लो आप, इतनी छोटी है ये कि ईजीली हाथ में आ रही है। अब फ्रेंड्स, इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इससे हम पानी गर्म कर सकते हैं। कितना पानी गर्म कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक गिलास या एक जग। ओके, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएगी, करेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी यहाँ पे। तो ये काफ़ी छोटी सी रॉड है। तो आपको जैसे पता है कि सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में जो पानी होता है पीने का वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो या तो हमको गैस पर गर्म करना होता है फ्राई पैन या भगोने में करके, तो काफ़ी देर लग जाती है। तो इससे हम जो है सिंपली क्या है कि एक गिलास में पानी लेंगे और इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल देंगे यहाँ पे। ओके, और अपने इसको 220 वोल्टेज से प्लगिंग कर देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट प्रूफ है, इसको आप हाथ से भी, जब ये वर्किंग कंडीशन में हो तो आप इसमें हाथ डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लगेगा। और मैं आपको देखिए मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगा दिया। ओके, और ये मल्टीमीटर की प्रोब्स ली, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आएगी, देखिए यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है इन दोनों प्रोब्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं मिलेगी हमको। ये फुली इलेक्ट्रिक शॉर्ट प्रूफ है, कोई शॉर्ट नहीं लगेगा। इसको भी दिखा दूँ, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है रियल वीडियो दिखाऊंगा बिना फास्ट किए, और देखेंगे कि ये कितने टाइम में पानी गर्म कर देगी। तो फ्रेंड्स, रियल टाइम चल चुका है और यहाँ पे मैं इसे 220 वोल्टेज के बोर्ड के साथ डायरेक्ट प्लग इन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया और प्लग इन कर दिया, देखिए इसके अंदर कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं आ रहा और पानी जो है अपना गर्म होने लग गया। आप देख सकते हो इससे बबूले आ रहे हैं, ये देखिए बबूले दे रही है। तो पानी गर्म होने लग गया और अभी इसको लगाए हुए 20 से 22 सेकेंड। ओके, अपना टाइम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो ये देखिए गर्म होने लग गया, थोड़ी थोड़ी भाप भी आ रही है यहाँ पे, शायद आपको न दिख रही हो लेकिन यहाँ पे भाप है, मेरे को दिख रही है बहुत थोड़ी थोड़ी सी। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी, ये देखिए। तो मेरे को लगता है कि ये गर्म हो गया सच में। फ्रेंड्स, मेरे पास जो है थर्मामीटर नहीं है, जो होता है मैं आपको दिखाता, लेकिन ये कम से कम 40 से 45 सेकंड में पानी इतना गर्म हो चुका है कि आप इसको पी नहीं सकते। ओके, यहाँ पे बुलबुले भी आ रहे हैं और भाप भी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है इसके अंदर से, आप देख लो। और यहाँ पे भी स्टीम जो है चिपक चुकी है, यहाँ पे देखिए मैं इसको हाथ से टच नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा गर्म ये हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी गर्म पानी हो चुका है। फ्रेंड्स, अब इसे हमें हाथ से टच नहीं कर सकता, पीने की तो बात ही छोड़ दो। तो ये मेरे को काफ़ी पसंद आई रोड, इससे मेरा हाथ भी जल गया, हाथ जल गया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी गर्म है, अभी इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इससे मेरा हाथ भी जल गया, मैंने गर्म को पकड़ लिया। आप ऐसा ट्राई ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको भी हाथ वगैरह जल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो रॉड है काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी छोटी सी है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, अंदर भी इसके खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने अंदर फिर चुल मचाई रहती है कि इसका वायर काफ़ी पतला है, लोग बोलेंगे, मेरे को भी लग रहा था, लेकिन इसका वायर है जो उन्होंने बोला है कि कॉपर का है और ये ख़राब नहीं होगा, ये इतना पतला सा वायर है कॉपर का, ये ख़राब नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, ये मेरे को जो है 60 रुपये की मिली थी, 60 रुपये के आसपास, और ये आपको जहाँ पे बड़ी रोड या फैन वगैरह मिलते हैं वहाँ पे मिल जाएगी, ईजिली आप इसे खरीद सकते हो। ऑनलाइन अगर मिल जाए तो ऑनलाइन भी देख लेना,
ओके तो यहाँ पे यही सब कुछ है इसके अंदर। ये काफ़ी दो छोटी छोटी इस तरीके की बॉडी दी है इसके अंदर यहाँ पे, और एक ये ठीक। इसके बाद डायरेक्ट इसमें कोई अर्थिंग का सेट नहीं है, डायरेक्ट दोनों टर्मिनल से ये कनेक्ट है अपना वायर, और ये इसके अंदर है फ्रेंड्स। अगर आपके माइंड में इससे रिलेटेड फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं फॉलो करके, मेरी यूज़र आईडी DKT क्लब के नाम से है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।